हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज हम बताएंगे कैसे घर पे डेयरी मिल्क, स्नीकर जैसी बड़ी चॉकलेट्स विदाउट मोल्ड कैसे बनाते हैं। तो फटाफट से शुरू करेंगे। डार्क कंपाउंड चॉकलेट्स का जो मार्केट में मिलती है और मिल्क कंपाउंड, वो दोनों चॉकलेट कंपाउंड्स हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए दोनों में से एक इक्वल बार हमने चाकू की सहायता से या फिर आप किसनी होती है हमारी उससे कट कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारी चॉकलेट सब होमोजीनियसली मिक्स होंगी। और सब अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने इसको चाकू की सहायता से बारीक कर लिया, दोनों चॉकलेट को डार्क एंड मिल्क इक्वल रेशो में। देखिए इस तरीके से इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। और आज हम इसको माइक्रोवेव में 70% पावर पे 30 सेकंड के लिए। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज करके पूछा कि मैम 70% पावर, वो माइक्रोवेव का लेवल होता है 70, 80, 90, 100। तो 70% पावर पे पहले 30 सेकंड करें, एक साथ में पूरा 1 मिनट नहीं करना है, उससे चॉकलेट क्रम्बल हो जाती है, अच्छे से मेल्ट नहीं होती। पहले 30 सेकंड करो, फिर मिक्स करो, फिर 30 सेकंड। जनरली हो जाता है, नहीं हुआ तो और 20 सेकंड्स के लिए आप उसको माइक्रोवेव करोगे तो आपकी चॉकलेट कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, हम सबके यहाँ पे सेलिब्रेशंस के चॉकलेट्स गिफ्ट आते हैं या हम कभी खरीद के लाते हैं और ये रैपर को हम फेंक देते हैं, उसी को एज हम मोल्ड इस्तेमाल करेंगे। आज हमने इसमें बटर या ग्रीस से इसको ग्रीस कर लेंगे, बटर या फिर ऑयल, सॉरी हाँ, तो बटर या फिर ऑयल से हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसके उसमें स्नीकर्स या डेयरी मिल्क में जैसे नट्स होते हैं, तो यहाँ पे बादाम या फिर काजू या फिर बिस्किट्स या फिर आप ले सकते हैं हमारे मुरमुरे, कुछ भी चीज़ डाल के आप उसके अंदर उसके क्रंचीनेस ला सकते हो। जैसे कि अभी इस वाले मोल्ड में हमने बादाम और काजू के बड़े बड़े टुकड़े डाले हैं, उसके ऊपर से हम मेल्टेड हमारी चॉकलेट डाल रहे हैं जो अभी हमने मेल्ट की। ये हो गया एक तरीका। इसके अंदर आप दोनों चीज़ एक साथ में भी डाल सकते हो, जैसे आप काजू बादाम थोड़े से टुकड़े कोई भी बिस्किट्स के, तो जैसे स्नीकर चॉकलेट्स में हर अलग अलग स्वाद आता है, ये ऐसे डायरेक्ट पूरा मैं एक बिस्किट रख रही हूँ, अब इसमें पूरा माएगा नहीं दूसरा, तो इसको हम यहाँ पे आधा करके रख देंगे, नीचे चॉकलेट, बीच में बिस्किट और ऊपर से फिर से चॉकलेट। ऐसे एक मैंने सिंपली बिस्किट चॉकलेट भी बताई थी आपको पहले, उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाके भी आप चेक कर सकते हैं। सिंपल चॉकलेट्स फ्रूट नट्स चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं सर्दियों के लिए, आज ये स्पेशल वीडियो जिसके हम मोल्ड नहीं है, वो इस टाइप से कोई भी चीज़ का अपना मोल्ड बना कर बना सकते हैं। देखिए ये दो हमने बनाई थी, इसमें दो बिस्किट रखे, ये प्लेन बनाई है डेयरी मिल्क की जैसी, तो देखिए मैं आपको निकाल बता, ये देखिए ये हमारी छोटी डेयरी मिल्क जैसे चॉकलेट विदाउट मोल्ड, यानी घर में ये जो हम फेंक देते हैं उसी को मोल्ड बना लिया और हमारी चॉकलेट रेडी है। इस वाले में हमने बहुत सारे नट्स और बिस्किट को कट करके डाला था, ये फिर से एक प्लेन चॉकलेट बनाई थी बिग डेयरी मिल्क जैसी। देखिए जैसा शेप आपका मोल्ड का है वैसी आपकी चॉकलेट बन जाएगी, यानी बिग चॉकलेट डेयरी मिल्क जैसे आप ऐसे आसानी से बना सकते हो। इजीली आप पूरा उल्टा भी कर दोगे, अच्छे से आपने घी या तेल लगाया होगा तो आपकी चॉकलेट अच्छे से रिमूव हो जाएगी। सपोज आप नहीं घी अच्छे से लगाओगे तो कभी कभी जिससे ऊपर का जो हिस्सा है वो जनरली बाहर नहीं निकलता, तो जब ग्रीस करो तब ऑयल और ग्रीस से अच्छे से करो। ये देखिए ये बड़ी चॉकलेट, यहाँ पे देखिए यहाँ बिस्किट और चॉकलेट दोनों मिक्स तैयार है हमारी। सभी चॉकलेट्स को हम ऐसे मोल्ड में से इजीली रिमूव करेंगे। आप ये मोल्ड को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हो हल्के हाथ से इस्तेमाल किए तो, और इजीली विदाउट मोल्ड आप चॉकलेट ऐसे बड़ी वाली डेयरी मिल्क या स्नीकर्स जैसी चॉकलेट्स बना सकते हो। इसको हम पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है कि सिंपली एल्यूमिनियम फॉइल से आप अच्छे से चॉकलेट रैप कर सकते हैं और वो किसी को देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हाइजीनिक फूड ग्रेड बोल सकते, एकदम परफेक्टली घर पे बनी हुई हमारी डेयरी मिल्क और स्नीकर्स चॉकलेट्स तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, अगली और कुछ वीडियो देखना चाहते हो रिलेटेड टू चॉकलेट तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना, मेरे को आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको बाय, जय श्री कृष्ण, और बनाइए खाइए खिलाइए निकिता के साथ, तब तक के लिए बाय।